हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई चली होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 11 की डॉक्टर मनोहर रे हर्षरूप शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है। अध्याय नंबर तीसरा पढ़ा रहा हूँ, त्रिकोणमिति फलन। प्रश्नावली है 3.L। उसमें से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, 3 और 4 नंबर 2 3 बताए थे, आज 4 नंबर बताऊंगा। आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से आसान क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, 7 नंबर तक दिख रहे होंगे। इसके बाद ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको नीचे भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक को मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे पहले मैं पार्ट में आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मिल, तो अच्छे से देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लिखा कल मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया था, आपसे कहा था इसको लगाने के लिए, आप लोगों ने अगर लगाया होगा तो अच्छी बात, नहीं लगाया तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूं। तो देखते हैं, लिखा कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा कॉस टू गामा प्लस कॉस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4 cos β प्लस गामा कॉस गामा प्लस अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा। आप लोग जानते हैं LHS हमने लिया है, तो यहाँ पर आपको cos C प्लस cos D का फार्मूला हम लगाएंगे। आप भी देखिए और समझिए, कोशिश कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है। तो जी आ जाएगा हमारा cos C प्लस cos D का 2, cos C प्लस D बाई 2 होता है, तो जी आ जाएंगे अल्फा प्लस के बीटा ही बचेंगे जो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, जो हो जाएंगे प्लस के कॉस टू गामा, और ये हो जाएगा कॉस हमारे पास 2π, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख लेंगे हम, पाई रख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos π माइनस के हो जाएंगे हमारे पास गामा इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस का बीटा प्लस जो हो जाएंगे हमारे पास कॉस 2 γ, अजी हो जाएंगे कॉस 2π गामा हो जाएंगे कॉस पाई, कॉस 2π का मान होता है हमारे पास 1। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 180 माइनस का थीटा क्या होता है माइनस का कॉस गामा हो जाएंगे, अजी हो जाएंगे कॉस अल्फा माइनस का बीटा, ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस के हो जाएंगे 2 cos² γ माइनस का 1 और प्लस का 1। ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे, यहाँ से 2 हमें कॉमन मिल जाएगा, ले लेंगे हम यहाँ पे माइनस का 2 cos γ, यहाँ बचेगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस का बीटा, अजी बचेंगे प्लस के cos γ, कॉस गामा की जगह फिर हम वैल्यू चेंज कर लेंगे, जाएंगे माइनस के 2 cos γ, ये हो जाएंगे कॉस अल्फा माइनस के बीटा, प्लस के हो जाएंगे हमारे पास कॉस 180 माइनस का ए प्लस का, सॉरी अल्फा प्लस का हो जाएगा हमारे पास बीटा। और अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास माइनस के 2 cos γ, ये हो जाएंगे कॉस अल्फा माइनस का बीटा, और ये हो जाएंगे माइनस का हमारे पास हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस माइनस हो जाएंगे, ये प्लस के ही होते हैं, कॉस हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा, कॉस सी प्लस कॉस डी फिर से लगा देंगे तो हमारा फार्मूला फिर से बन जाएगा, ये बन जाएंगे माइनस के 2 cos γ, और ये हो जाएंगे हमारे पास 2 cos α cos β, तो जो हो जाएंगे हमारे पास 2 दुना हो जाएंगे 4 माइनस के 4 cos α cos β और cos γ, इसे हमारा हो गया RHS। अब यहाँ से हम RHS की बजाय LHS आ गया, अब यहाँ से हम RHS भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे RHS भी लेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू नहीं मिली है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 4 cos β प्लस गामा इंटू में आ जाएगा कॉस गामा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू में आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जाएगा 4 cos जाएंगे पाई माइनस का हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू में आ जाएगा कॉस पाई माइनस को हो जाएंगे बीटा इंटू में आ जाएगा कॉस पाई माइनस का हो जाएगा हमारे पास गामा। तो कॉस 180 माइनस का थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा 4 माइनस का कॉस अल्फा, ये भी आ जाएगा कॉस माइनस का कॉस बीटा इंटू में ये भी आ जाएगा माइनस का कॉस गामा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस माइनस से हमारा क्या प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 4 cos α cos β cos γ, देखिए दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा अतः
एल एच एस बराबर हो जाएगा हमारे पास आर एच एस, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, जी हो गया क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर फोर। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिएगा फाइव नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा लगाने, समझ में आ रहा होगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो पस कर करके नोट कीजिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा 100% 100%। अब देखिए लिखा है कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी बराबर 4 cos A/2 cos B/2 sin C/2 माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 5 का A 5 का B, ए नंबर आपको दिया है, एल एच एस हमने ले लिया कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला बन जाएगा, जी बनेगा हमारे पास 2 cos A+B/2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस का हो जाएगा कॉस सी बराबर 2 90 माइनस C/2, अजी आ जाएगा ए माइनस बी बाई टू, हमने बी बाई टू वाली वैल्यू हमने बताई थी। अब देखिए यहां पे आ जाएगा हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास साइन थीटा, सेम रख लेंगे, कॉस कॉस सी खोलेंगे जा जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे खोलेंगे प्लस का हो जाएगा हमारे पास कॉस सी लिखा माइनस का, तो 1 माइनस का sin² थीटा क्या होता है ये रहेंगे प्लस के 2 sin² C/2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे sin² C/2 2 sin C/2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 आ जाएगा sin C/2, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस का B/2 इंटू में आ जाएगा प्लस sin C/2, जी हमारा माइनस का 1 अलग कर देंगे, जी अलग हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू चेंज कर लेंगे, मान निकाल लेंगे 2 C/2 ऐसे रखेंगे, जी जैसा है वैसे रखेंगे कॉस ए माइनस का B/2 और ये जाएंगे प्लस के साइन 90 माइनस का A+B/2 हमारा जी और जी माइनस का 1, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 sin C/2 कॉस ए माइनस का बी प्लस हो जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस का B/2 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। आप देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी इस पे लगा देंगे ज्यादा आएंगे हमारे पास 2 sin C/2, ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos A+B/2 प्लस ए माइनस बी बाई टू टोटल बटे हो जाएंगे 2। अब इंटू में आ जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस सॉरी ए प्लस बी बाई टू टोटल बटे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जी आ जाएगा माइनस का 1 हमारा लिखा हुआ वैसे ही रहेगा, हो जाएंगे 2 sin C/2 हो जाएंगे 2 cos A/2 माइनस का 1 लिखा हुआ है, हो जाएंगे 2 दूना 4 sin A/2 सॉरी C/2 इंटू cos A/2 B/2 माइनस 1, क्रम से रख देंगे जा रहेंगे 4 cos A/2 cos B/2 sin C/2 माइनस का 1, जी हो गया हमारा आर एच एस, यही लाना था हमको, हो गया आर एच एस हमारा प्रूव हो गया। अब यहां से बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का B, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 का B भी आपको दिखा देते हैं, सोल्यूशन करेंगे उसका भी आंसर बताएंगे आपको, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल वे में। हमने ले लिया एल एच एस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यहाँ लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, दिया जाएगा हमारे पास 2 cos हमारे पास आ जाएंगे क्या A+B/2 इंटू में आ जाएगा कॉस ए माइनस का B/2 आ जाएगा, अजय प्लस कर ले सकते हैं कॉस सी, चेंजमेंट कर लेंगे 2 cos 90 माइनस का C/2 इंटू में आ जाएगा कॉस ए माइनस का B/2, क्यों यहाँ चेंज, क्योंकि A+B/2 बराबर C/2 होता है 90 में, माइनस में नहीं होता है, इस बेस चेंजमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा लेंगे 1 माइनस का 2 sin² C/2,
क्यों निकाले हैं? क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और इनटू में आ जाएगा कॉस ए माइनस का बी बाई टू, और ये प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। 2 साइन सी बाई टू से 2 साइन सी बाई टू हमारा कॉमन मिल जाएगा, ये ले लेंगे 2 साइन सी बाई टू का मन। यहाँ बचेगा हमारे पास कॉस ए माइनस का बी बाई टू, और ये बचेगा माइनस का हमारे पास साइन सी बाई टू, और ये प्लस का 1, ऐसे कर देंगे। ये हो जाएंगे हमारे पास 2 साइन सी बाई टू, हो गया, लगा लिए। अब यहाँ पे हमारा खोल देंगे कॉस ए माइनस बी बाई टू, अब साइन सी बाई टू खोल देंगे, जा रहेंगे साइन 90 माइनस का ए प्लस बी बाई टू, और ये माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन सी बाई टू, ये रहेंगे कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये रहेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है माइनस का, प्लस का होता है कॉस थीटा, दिया जाएंगे कॉस ए प्लस बी बाई टू, और ये हो जाएंगे प्लस का 1। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे 2 साइन सी बाई टू को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास 2 साइन ए बाई टू इंटू में साइन बी बाई टू प्लस का 1। अब इसका गुणा कर देंगे, जा जाएंगे 1 प्लस 2 दूना हो जाएंगे 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, जी हमारा क्या होगा आर एच एस, जी हमको लाना था, जी हो गया हमारा प्रूवमेंट। यहाँ लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास आर एच एस सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अब दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर क्वेश्चन, दिखेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं, कोशिश करते हैं लगाने की, लगा रहे हैं, आप एंजॉय करते रहिए। लिखा साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी बटे साइन ए साइन बी साइन सी बराबर 8 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू लगाना है। बहुत आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है, आप लोग लगा सकते हैं लगा सकते हैं लगा सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का ऊपर लगाएंगे, नीचे साइन सी प्लस साइन डी का लगाएंगे, एक किसी तीन में से किसी दो में एक में फॉर्मूला लगाना है, बाकी एक को चेंजमेंट करना पड़ेगा, हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ लगा लेंगे, जा जाएगा 2 साइन ए प्लस बी इंटू में बचाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी खोल देंगे साइन सी इंटू में कॉस सी बटे ए माइनस का बी, और यह आ जाएगा प्लस साइन सी। अब यहाँ पे फिर से ऊपर हम कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं, क्या जरूरत है, बहुत बढ़िया है, हमें यहाँ पे साइन पाई माइनस का सी आ जाएगा, यहाँ कॉस ए माइनस बी रखते हैं, और ये प्लस का 2 साइन सी इंटू में कॉस सी बटे, यह जाएगा हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी बाई टू ले सकते हैं, क्या हम साइन 90 माइनस का सी बाई टू इंटू में आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू, और याद आएंगे प्लस के साइन 2 साइन सी बाई टू इंटू में कॉस सी बाई टू। अब देखिए यहाँ से फिर से करेंगे, जो आएगा 2 साइन, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, और याद आएंगे कॉस ए माइनस बी, और ये प्लस क्या आएंगे 2 साइन सी इंटू में कॉस सी बट, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास कॉस थीटा, जो आएंगे कॉस सी बाई टू इंटू में कॉस ए माइनस का बी बाई टू हो जाएगा, और ये प्लस के 2 साइन सी बाई टू इंटू में कॉस सी बाई टू। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, अब 2 साइन सी बाई टू सी को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास कॉस ए माइनस का बी, और ये बचेंगे प्लस के कॉस सी। यहाँ से फिर वैल्यू निकाल लेंगे, जा जाएंगे हमारे पास क्या 2 कॉस सी बाई टू कॉमन ले लेंगे, ये बचाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस का बी बाई टू, और ये बचाएंगे प्लस के हमारे पास साइन सी बाई टू। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए एक एक स्टेप आपको बताई जा रही है, आपको बस चेंजमेंट करना है, चेंजमेंट करना आप लोगों को बताया जा रहा है, बस वही चीज सिर्फ चेंजमेंट करना है, इधर से उधर उधर से इधर कर रहे हैं बस, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग हमसे अच्छा कर सकते हैं, बस क्या आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अच्छे से, बीच बीच में कॉमेडी होनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को बुरियत ना महसूस होने देंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा कॉस
ए माइनस का बी बाय टू और प्लस या रहेंगे साइन 90 माइनस का ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या फिर से वैल्यू बना लेंगे, टू साइन सी ऊपर आ जाएगा हमारे पास, कॉस ए माइनस का भी वैसे ही है, और कॉस 180 माइनस का थीटा क्या होता है, आ माइनस का होता है कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास टू कॉस सी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू हमारा ऐसे रहेगा, और जे प्लस का आ जाएंगे कॉस ए प्लस, क्यों आ गया क्योंकि साइन 180 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ये आपका हो गया क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, अब इसी के आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं, हमने अभी बताया वहां पे लिखा होगा टू, ये लिख लेते हैं साइन सी, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा क्या इंटू में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लेंगे बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टू साइन ए इंटू में आ जाएगा साइन बी, टोटल बटे आ जाएगा हमारे पास टू कॉस सी बाई टू इंटू में आ जाएगा टू कॉस ए बाई टू इंटू में आ जाएगा कॉस बी बाई टू। अब देखिए यहाँ से फिर से वैल्यू थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा हमारे पास दो से दो कर जाएंगे, अब यहाँ पे हमें क्या ये बचेगा हमारे पास साइन है इधर का दो कट जाएगा साइन बी और ज्यादा आएंगे साइन सी बटे आ जाएगा हमारे पास कॉस ए बाई टू इंटू में कॉस बी बाई टू इंटू में कॉस सी बाई टू आ जाएगा। अब साइन ए को खोल सकते हैं हम, क्या आ जाएगा टू साइन ए बाई टू इंटू में कॉस ए बाई टू, साइन बी खोल देंगे जा जाएगा टू साइन बी बाई टू इंटू में कॉस बी बाई टू, साइन सी खोल देंगे टू साइन सी बाई टू इंटू में कॉस सी बाई टू, टोटल बटे हमारे पास जो वैल्यू लिखी वो लिख लेंगे कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ए बाई टू से ए बाई टू कट जाएगा, बी बाई टू से बी बाई टू कट जाएगा, सी बाई टू से सी बाई टू कट जाएगा, बाकी जो चीज बच जाएगी वो लिख लेंगे, दो दुना चार दुनिया आठ हो जाएंगे हमारे पास जी, साइन ए बाई टू बच जाएगा अजय जाएंगे साइन बी बाई टू हो जाएगा अजय हो जाएगा साइन सी बाई टू, ये हमारा क्या हो जाएगा आर एच एस हमको मिल जाएगा, तो लिख लेंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा सॉल्व हो जाएगा, जो हो गया क्वेश्चन नंबर छह। अब देखिए यहाँ पे छह लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू आपको सोल्यूशन करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं अच्छे से कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग लगाते रहिए। अब देखिए छह नंबर क्वेश्चन आपको बता दी, वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, इसके आगे आप लोगों को कल बताएंगे आपको सात और आठ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें बताएंगे बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मोबाइल से अपलोड नहीं होती है, तो इस वजह से आप लोगों से क्या आप लोगों को अच्छा लगा है पसंद आ रहा है तो आप लोगों को क्या जी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं नए जोश नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, पढ़ते रहिए, बाय बाय।